मुश्किल से पेट्रोल पंप खुला तो है और ये देखिए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे कारों की। धीरे धीरे करके आगे जा रही है कार। भर रहा है ना, डीजल है पेट्रोल दोनों भर रहे हैं ना। आगे वाला नहीं खुला है ना? नहीं, एक पंप वो आगे वाला बंद, वो बंद है। मैं था ही बंद है। अच्छा, भरोसा नहीं है। दो पंप है यहाँ पे और एक पंप चालू है और कोई देख बंदा गया था आगे देखने और एक पंप बंद है तो जल्दी से बंद हो जाए उसके पहले। रात को हम लोग ऑलरेडी बहुत भटक चुके, कम से कम 10 पेट्रोल पंप में रात को हम लोग जाके राउंड मार चुके हैं कि मिल जाए, क्योंकि आज लग रहा था हम लोगों को, पहले तो ये लग रहा था कि हम लोग की तबीयत ख़राब है, बच्चों की तबीयत ख़राब है, शिवानी की भी तबीयत ख़राब है, उसके चक्कर में हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, पूरी बुकिंग हाफ बुकिंग की थी, हम लोग का कैंसिल हो गया था जाना न्यू ईयर पर, और इस बार तो फुल बुकिंग है। चलिए देखते हैं वाले पेट्रोल पंप चले आओ, 3-4 गाड़ी लगी है पीछे वाले, ये बाजू वाले, ये एमापुर वाले पक्का। चल रही, थैंक यू। हाँ ओके, चलिए किसी ने बताया एक और पेट्रोल पंप पे गलती हो गई उस वाले पेट्रोल पंप पे जहाँ हम लोग, मैं वापस गया था अभी, वहाँ पे खाली पेट्रोल मिल रहा था और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आगे लग गई हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। वहाँ पे 3-4 ही गाड़ियाँ थी, जल्दी भर जाता लेकिन सिर्फ पेट्रोल था, और यहाँ पे डीजल मिल रहा है, पेट्रोल दोनों मिल रहे हैं, लेकिन 4-5 गाड़ियाँ लग गई है मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं था तो मेरे आगे कोई और गाड़ी खड़ी थी और कोई और गाड़ियाँ खड़ी हो गई। चलिए वेट करते हैं जल्दी से। और मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी लास्ट गाड़ी आई है एकदम, देखिए गेट बंद हो गए, मेरी गाड़ी के बाद कोई गाड़ी नहीं आई, मेरी लास्ट गाड़ी है एकदम। का पेट्रोल डला लिया गया है, पानी पेट्रोल डला है, भीड़ देखिए अभी भीड़ लगी है आखिरी बार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबको सबसे पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो न्यू ईयर की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, और जैसे कि मैं आप लोगों को न्यू ईयर विश कर रही हूँ, तो आज है 1 तारीख, तो हम लोग निकल रहे हैं घूमने जाने के लिए, हम लोग की वेकेशन प्लान थी तो उसके लिए निकल रहे थे, तो मेरे को लगा थोड़ा ब्लॉग शुरू कर लेना चाहिए, सुबह से लगे पड़े पर कुछ हो नहीं पाया, वो मैं पता नहीं कैसे, मुझे लगा कैमरे का लेंस साफ करना पड़ेगा। जिया सो के उठ गई है और 2 बच्चों के साथ निकलना बहुत ही मुश्किल है, 4 घंटे से हम लोग लगे हैं निकलने के लिए पर निकलना नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप है विद दोनों बच्चास, और डुगू के टाइम हमें 2 घंटे लगते थे, अब हमें 4 घंटे निकल लगते हैं कहीं निकलने में। हमें सुबह 10 बजे निकलना था और हो रहा है 1:30 बज रहा है। हाँ बेटा चले। अब हम लोग निकल रहे हैं, है ना जी, है ना जी जी। ट्रिप पे निकलते साथ ही जिया इतना रोई कि पूछे मत। इन लोगों के फ्रेंच फ्राइज खाई थी और ये थोड़ा हवा के कारण नहीं खाए, थोड़े बहुत खाए, और ये इतना रोई कि उसे कपड़ा जो वार्मर था वो उतारना पड़ गया, क्योंकि ना गर्मी लग रही है, इतना रोई से वार्मर उतार के रखा क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोगों को भी लग रहा है कि हम लोगों को पतली टी शर्ट पहन के आ जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी मौसम ना वैसा नहीं था। निकलते साथ में लगा हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो, क्योंकि इतना तो वैसे भी कार में नहीं रोती, इतना रोती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं काना किसली, और काना किसली हम लोग बांधवगढ़ बहुत जाते हैं, काना किसली हम लोग नहीं जाते। 2020 में जब मैं 2 मंथ्स प्रेगनेंट थी डुगू के टाइम, दिसंबर में हम लोग गए थे, है ना, दिसंबर में हम लोग गए थे, न्यू ईयर का टाइम था, पर इस बार न्यू ईयर की बुकिंग नहीं मिली ना हमें वो रिसॉर्ट मिला, तो एकदम न्यू रिसॉर्ट है और हम लोग रिसॉर्ट जो है वही मेनली इन्जॉय करने जा रहे हैं। अभी कुछ भी सफारी का तो है नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो सफारी दिन की हो सकती है अगर कैंटर मिले तो, अदरवाइज़ तो वो भी नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं काना किसली और ये हमारी पहली फैमिली ऑफिशियल ट्रिप है बच्चों के साथ, और कार में हम लोगों को लगा पहली ट्रिप होनी चाहिए, क्योंकि कार ही में नाक में दम कर दिया यार जिया ने, इतना रोई, खाना खिलाया, सब करा, उसके बाद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर रोती जा रही थी,
फिर जाके मेरे को राजा ने बोला से गर्मी तो नहीं लग रही है, तो फिर मैंने इसका बॉडी वार्मर निकाला तो उसके बाद ये रिलैक्स है और ये अब खेल रही है। जिया जिया अच्छी अच्छी बात है, अच्छी अच्छी लोई हूँ मैं आज, आज मैं बहुत लोई हूँ और आज बच्चों की तबीयत भी सही है ना, एकदम सही हुई है। वैसे दुगू की थी कल, जिया की पहले सही हो गई थी, तो आज इनकी तबीयत भी सही है। ओ देख लो, नहीं ऐसा ही मम्मी ठीक दिया मैंने, मत बोलो यार खेल रही है, क्या खेल रही है, थोड़ा ही खेल रही, मैं तो जानती हूँ कितना खेलेगी वो, आज बहुत ज्यादा सर दुखाने वाली है, सुबह से आज ऐसी ही है वैसे, है ना, सुबह से ही रो रही है वो, एक्चुअली मैं ऐसी कोई नई बात नहीं है, सुबह से ही रो रही है। आज मैंने कैमरा तक नहीं उठाया इस चक्कर में यार, राजा सुबह तुम 6-7 बजे गए थे ना पेट्रोल डलवाने डीजल डलवाने कि बच्चे सोते रहे, क्योंकि ये वो भी नहीं करा रहे थे, और अभी हम लोग जब आ रहे हैं तो इतनी ज्यादा भीड़ थी पेट्रोल पंप में। उसके साथ लेट के वो इसके पैर काट रहे रहे हैं शाम के 5:15। अब रुको यार रुको, मस्त एक मस्त शॉप थी वहाँ से हम आते टाइम शॉपिंग करेंगे, तो बस अब रिसॉर्ट पहुँचने वाले, क्या हुआ स्ट्रेट चलो, तो चलिए हम पहुँच जाते हैं क्योंकि रास्ता भटक गया, दिक्कत हो जाएगी अभी, कोई मैप में एकदम कंटिन्यूसली आके फैला के रखनी पड़ेगी। सरी गेट आ गया यार रिसोर्ट का, हाँ वो है गेट ये शिट। तो ये आ गया है हमारा, जहाँ से हमारा रिसोर्ट है ये है सरी गेट, ये सामने ही गेट है, देखिए आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा रिसोर्ट। कोई नहीं है इस कहाँ है, हमारे पूरा सामान अभी वहाँ पे कार में, तो वही लेके आएंगे। डुगू ये रहा, डुगू कर दो, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं वैसे। हैप्पी न्यू ईयर, कॉन्फ्रेंस हॉल ही तो रेस्टोरेंट है। Mm-hmm.
Oh my God, so. जय प्रवेश। तो हम लोग आ गए हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। और मैं आपको चीज दिखाती हूँ, ये बहुत ही प्यारा वुडन रूम है और पूरा लकड़ी का काम है। एसी लगा हुआ है आते साथ ही, पर एसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है हमारा सेटिंग एरिया। रूम बहुत बड़ा नहीं है पर रूम बहुत प्यारा है। तो हम एमपीटी का पहले भी रिसोर्ट जा चुके हैं, वो हम लोग गए थे सतपुड़ा के जंगलों में। ये हम आए हैं काना किसली के जंगलों में। इससे पहले हम मोगली गए थे। तो मेरा पर्स रखा हुआ है और वो है क्या बोलते हैं मेरा ढकने वाला। और ये जो है ये है बेड, बहुत बड़ा बेड नहीं है, दिक्कत होने वाली है हमें रात में, पर एक गद्दा मंगवाएंगे उनसे। और ये जो है यहाँ पे देखिए पीछे कितना अच्छा काम है। यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है फैन, ये है टीवी एकदम फ्रंट में, ये पेंटिंग बालकनी उस साइड से भी चल रहे हैं। अच्छा। फिर ये है मेरे जिसमें हम तीनों चारों दिख रहे हैं। ये कपड़े पहना हो। और ये है, ये क्या है? अरे राजा ये देखो कितने से विंडो है जंगल देखने के लिए। गेट है पीछे देखो। आज तुम्हारे तुम्हारे पैर टाइगर दर्शन यहीं से होंगे है ना। उसके बाद फिर ये है क्या बोलते हैं अलमारी, और ये है वॉशरूम जो कि काफी स्पेशियस है। और अब यहाँ से आती है बालकनी जो राधा दिखाने वाला है। ये दिन में मजा आएगी यहाँ से देखने में है ना। वाह, अब इसमें भी कोई लॉक है क्या? ये आ गई बालकनी। यहाँ तो मजे ही आ जाएंगे। ये है, ये देखिए तो बहुत प्यारा है ना। ये देखो नीचे से कितना प्यारा दिख रहा है, पूरा जंगल दिखेगा यहाँ से सुबह है ना। पूरा जंगल, यहाँ से पूरा जंगल दिखेगा। ये हमारा बुलेट हो गया। वहाँ पार्टी चल रही है, यहाँ हम पार्टी कर सकते हैं, यहाँ पार्टी करेंगे पर हम नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे हैं, तो पार्टी हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ लाइट कहाँ है? यहाँ लाइट है। मज़े मज़े। तो राजा अभी गए हैं सामान लेने, हमें चाय मंगवाई है, चाय आई नहीं है, है ना? चाय नहीं आई है बच्चे। और वो बच्चा मेरा वहाँ खेल रहा है। बेटा तुम बंद हो गए तो क्या होगा सोचो। इसको बड़ा मजा आ रहा है। ओफो। जिया का एक नया वर्ड उफो। डू थैंकिश। जिया आपका वर्ड बताओ, आपका नया वर्ड क्या है? उफो। आज ये दो बार बोल चुकी है उफो। उफो बोलो। उफो। तो यहाँ पे हो गए हैं जिया राजा, फुल पैक हो गए। बाहर बहुत ठंडी है, बहुत ज्यादा डबल उसमें पहनाई है। बस ये देखो। नो 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 बुबू यहां पे नो काट काट कर लेट जाओ। ये दांत उठ जाएंगे। जा रहे हैं डिनर पे। यहां पे डिनर की स्पेसिफिक टाइमिंग है 8:30 से 10। 9:15 हो रहा है, 9:15 हो रहे तो निकल रहे, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि कैसा डिनर, कैसे बच्चे एडजस्ट करेंगे। तो कुछ भी लेके नहीं जा रहे, एक गोदी में ही रहेगा, एक ऑब्वियसली इधर घूमता रहेगा या बैठ के खाना खाता रहेगा, तो जैसा भी रहेगा। तो चलिए चलते हैं, पहले डिनर कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ी बातें करेंगे। देखो सबको सबको जानिए
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कल डिनर करके आए हैं और इतनी प्यारी नींद आई है. सबकी तबीयत ख़राब थी एक दिन पहले तक, अच्छी खासी, मतलब फिर भी इतनी नहीं थी पर है थी, है ना. ये लड़गू रघु अभी यहाँ पे एक पपी है उसे फीड कर रहा है. ये देखो खा ला रघु, वो खा ले. कैसे खा रहे हैं ये, कैसे खा ला. यहाँ पे वो खिला रहे थे, ये मैं बिस्कुट ले आई थी. हाँ ये लो. आज ये भी देख लो, ले लो, दे दो जा रहे हो. वहाँ है बेटा, ये लो. दे ले, बोलो मम्मा दो. दे नहीं जा रहा है, जा रहे उच. एक और आ गया, आओ. अच्छे से खा रहे हैं ना वो. और बोजो के लिए हम लोग घर ही पर छोड़ के आए हैं, मतलब उन्हें पुराने वाले घर पे ही है वो, क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा भी हैं और वहीं पे हम लोग क्या बोलते हैं किसी को बोलने का रिस्क ले सकते थे. इतना बड़ा घर हम इंडिपेंडेंट जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो अकेला घर है तो वह हम किसी को चाबी नहीं दे सकते थे. ऑब्वियसली वहाँ पर सामान वामान रखा है और उन्हें लॉक नहीं किया था, दिक्कत हो जाएगी घर में. बेटा ख़त्म होने वाला है, लोग उनका पेट खराब हो जाएगा बस. तो हम लोगों ने ना एकदम ऐड किया क्योंकि डीजल पेट्रोल की दिक्कत थी, क्योंकि पेट्रोल पंप के नाटे चल रहा था सुबह 7 बजे. राजा गए हैं. बेटा बस प्लेट भी दोगे क्या, हो गया खत्म. ये लो इतना सब बचा, ये लो. पेट्रोल डीजल का नाटे चल रहा था सुबह 7 बजे, जाके यार डलवा के आए. उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, पैकिंग पूरी नहीं थी, निकलते निकलते बहुत टाइम लग गया उस चक्कर में. पर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग निकलेंगे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ना थकान हो गई थी मुझे. ऐसा कुछ नहीं था, आप पता, मेरे पास एक दो कमेंट आ रहे थे जिसमें एक तो ये था कि आप क्योंकि दो बच्चे संभाल नहीं पा रहे हो, और आई थिंक उसमें रिप्लाई भी किया, आप लोगों ने देखा भी होगा. इसीलिए ना ऐसा कोई नहीं है घर लकी अन लकी, अब दो बच्चे संभाल नहीं पा रही ऐसे दिक्कत हो रही है. जब दो बच्चे नहीं थे, लाइक एक बच्चा ही था तब भी यही सब दिक्कत ही चल रही थी उस घर में, ऐसा नहीं है. और रही बात दो बच्चों की, या मेरे को लग रहा है मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ. अकेले राजा हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, पर अकेले मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ. और दो बच्चे संभालना, वो भी इतने एज डिफरेंस के, वो हम लोग का डिसीजन था कि कहीं कोई बोले सिंपथी ले रहे हो तो ना जी, वो हम लोग का डिसीजन था. और होती है प्रॉब्लम, बहुत होती है, और हंसी खेलनी है इतनी उम्र के दो बच्चे संभालना, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, अपने आप को देख नहीं पाते, ऐसी हालत हो जाती है. तो वो मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, तो क्योंकि मुझे उस चीज़ ले कह रहा, तो मुझे पता है कि मैं संभाल पा रही हूँ अपने बच्चों को. और रही बात तबीयत ख़राब होने की, तो ये मौसम ही चल रही है, क्योंकि एक तो मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि आप लोगों की तबीयत दोबारा ख़राब होगी, ये घर पर शुभ नहीं है. फिर मौसमी तबीयत है यार. और ना एक और कमेंट था कि आप हंस के क्यों बता रही हो, जैसे मैंने आपको दो तीन दिन का अपडेट दिया था कल की वीडियो में. तो मैंने पता एक चीज़ सोची है इस टाइम पे, अगर कोई बात ऐसी सीरियस नहीं है तो रोने की ज़रूरत क्या है. फीवर तबीयत खराब थी जो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं हंस भी रही हूँ बताते हुए, तो क्या दिक्कत है, कोई बहुत सीरियस इशू तो नहीं था ना. और अगर मैं रोऊँगी तो रोते क्यों, हंस के क्यों बता रही हूँ, मतलब हंस रही हूँ तो हंस के क्यों बता रही हूँ. तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ वो होती है, बट मेरा यह है कि मेरे को हर चीज़ बहुत लाइट लेनी है, हमें चीज़ों से निकल के इन्जॉय भी करना है, क्योंकि आपको अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा. और डुगू को हल्की सर्दी अभी भी है, जिया रिकवर्ड है और मस्त घूम रही है जिया मेरी. हाँ
तेवा से देख रही हूँ जी। हाँ बेटा कहाँ है ये देख। अरे दो दो है आ जाओ। ए दो दो है देखो। ए हाय दो दो है दो दो है। अब तो कुछ है ही नहीं रुको इसमें। आ आ लो आपका कान साफ करना पड़ेगा मुझे। उसका बस नहीं चल रहा वरना तो पूरा नाश्ता खिला दे। तो चलिए अब हम चलेंगे और मैं इस वीडियो को एंड करूँगी और बहुत इन्जॉयमेंट वाले व्लॉग आने वाले हैं नेक्स्ट, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर हम लोग जाएंगे मतलब नाश्ता कर लेते हैं पहले, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बच्चा पार्टी के साथ खूब सारा एंजॉय, क्योंकि ये जिया और डुगू की फर्स्ट वेकेशन है। हम कटनी गए हैं एक एक दिन के लिए क्योंकि वो पास था। कान्हा किस लिए हमारी फर्स्ट वेकेशन, और हमने थोड़ी छोटी वेकेशन ही देखी। एक तो मुझे जंगल बहुत पसंद है, जैसे कुछ लोगों को माउंटेन्स पसंद होते हैं, हमें बीचेस बहुत पसंद है। बीचेस बहुत दूर हैं यहाँ से, तो ऑब्वियसली बीचेस तो नहीं जा सकते है ना। मुझे बीचेस और जंगल एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हिल स्टेशन मुझे पसंद है वह इतने नहीं, पर मुझे जंगल वाले जो शांत लाइक ग्रीनरी पीस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वही माउंटेन पे भी मिलती है बहुत अच्छे लाइक। तो एक तो ये, और ऊपर से हम लोग बहुत लंबी वेकेशन, देखो देख बुक बुक कर रहे वो, और हम लोग बहुत घंटा हाँ नहीं चाय नहीं आए अभी, और ये ज़्यादा घंटे का रास्ता नहीं था, 3 घंटे का रास्ता था। तो पहला हमने रिस्क कम ली कि इन लोग का नेचर कैसा रहेगा ट्रिप पे। कल थोड़े से जिया रो रही थी, आज जिया सही लग रही है मुझे, और अभी फ़िलहाल हम लोग अच्छे से एडजस्ट करें। पर बेबी उसके साथ मज़े भी आ रहे हैं और थोड़ा सा रहता है कि फिर आज चाय मंगवा रहे। तो चलिए मैं लोगों से बोलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय।